करीब के अनस्टिच कुछ कपड़े लिए हुए थे हम लोगों ने, तो वो हम लोगों ने टेलर को देने जाने हैं। टेलर को कपड़े देके जाने, ईद पे क्या पहनोगे? पुराने कपड़े पहन लूंगा, मेहरबानी होगी अगर कर दे तो। ये चांस पे है, चार तो दिन है ना, लेकिन जो पहले पड़े हुए हैं उनका क्या करें? एक और टेलर के पास जाएंगे। इतना हैवी प्रैंक हुआ हमारे साथ, हमारी टेलर ने इतनी किट लगाई है। टेलर कहता है बाबू ईद से 10 दिन पहले मिल जाएगा। मैंने कहा भैया ईद में तो 4 दिन रह गए। कहता बड़ी ईद से 10 दिन पहले मिल जाएगा। हमें यहाँ पे चूड़ियाँ पसंद आ गई। आज का मेरा दिन और मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है, क्योंकि बस अभी थोड़ी देर में होने वाली है इफ्तारी। अपने घर का कार सारा काम शाम मैंने निपटा लिया था, बस अब तैयारियां करनी है तो करनी है ईद की, और वो बची हैं, वो काम निपटाने वाले बचे हैं। बाकी सब चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सुबह उठते साथ कर लेती हूँ डन। तो अभी सबसे पहले हम लोग नीचे जाएंगे, इफ्तारी बनाएंगे, उसके बाद आज टेलर पे भी जाना है। रीप के अनस्टिच कुछ कपड़े लिए हुए थे हम लोगों ने, कुछ ईद में भी आए थे, तो वो हम लोगों ने टेलर को देने जाने हैं ताकि वो हमें जल्द अज जल्द जो है वो सिलाई करके दे दे। और साथ में जो है वो अरीब की सिस्टर्स की कुछ ईदी की चीजें रह गई थी लेने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने आज मार्केट जाना है। तो बस अभी वो सारी चीजें करेंगे। कैसे करती है आपकी दी बेस्ट व्लॉगर, ये आप लोगों ने एंड तक देखना है, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी लेट्स गो, होते हैं जाके इफ्तारी शिफ्तारी का सामान बनाते हैं और इफ्तारी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। शुक्र है मैं बुलाने वाला था। आपको मेरे कदमों की आहट सुनाई? नहीं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तैयारियां करनी है, जल्दी आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे शिट्टू बट्टू का, मेरे क्यूट। आप चीज नहीं लेके आई उसके लिए, उसने रोजा इफ्तार करना है। ये इसकी चीज कोई नहीं आई है, सिर्फ अपने डैडी को। अरे वो आपके पास क्यों नहीं आता? ये देख, अब आज नहीं ना करो। वो कह रहा अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ दे चाचू। भाभी ने मेरे आने से पहले ना एक नई चीज ट्राई की। क्या बनाया भाभी? ये क्रीमी चीजी चिकन पॉकेट। क्रीमी चीजी चिकन चिकन पॉकेट, चिकन पॉकेट्स है, ठीक है। ये जो चिकन की जेबें होती है ना, उसमें चीज और क्रीम डाल दें तो चिकन पॉकेट्स बन जाती है। हमारा जो है वो आलू शाह। हाँ जी बोला उसने, वो चाची बोल रहे हैं और मैं इधर आलू बोल रही हूँ। क्या बोला? बोलो चाची। बोलो बोलो चाची। अब नहीं बोलेगा, आनंद भाई है ये। क्यों बोलता है चाची के? अभी बोला चाची चाची। आई अल्लाह। A few moments later, इफ्तारी हो चुकी थी, बस सबने खजूरें वगैरह खाई हैं। जैसे जैसे इफ्तारी रोजे कम हो रहे हैं, साथ साथ हमारी इफ्तारी भी कम होती जा रही है। हमारी इफ्तारी वगैरह हो गई थी, काफी देर हम लोग बैठे रहे, नमाज वगैरह पढ़ ली है। अब जो है मेरा हस्बैंड साहब नमाज पढ़ते हैं, इफ्तारी करते हैं और उसके बाद ऐसा सोते हैं, ऐसा सोते हैं। लेकिन मुझे एक सोने की एक लॉजिक नहीं समझ आती। चलो शुक्र है आज एसी नहीं, यार पंखा चल रहा है। ये बत्तियां भाल के कौन सोना है? ये अरीब परवेज सोना है। रोज रोज मेरी रूटीन है कि मैं इस लड़के को सोए हुए उठाती हूँ। अरीब आपकी टिंट बड़ी होगी, बाल लंबे हो गए, उठ जाए ये देखें एकदम से। अरे एक तो लड़के को उठाने के, अरे ये उठ जाए, उठ जाओ ना, सोने दो सोने दो। नहीं सोने देना, उठ जाए, बहुत टाइम हो गया। अरीब उठ जाए, काम शाम करने हैं। टेलर को कपड़े देके जाने, ईद पे क्या पहनोगे? पुराने कपड़े पहन लूंगा। यार ये क्या लड़कों का लॉजिक है, पुराने कपड़े? लड़कियां जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं करती पुराने कपड़े। लड़के देख मिनट में कहते पुराने कपड़े उठे, मैंने नहीं लेकिन पुराने मेरे साथ मैचिंग करनी उठे। अरीब टेलर ने उठ जाना, चले टाइम हो गया बहुत, 8 बज गए। टेलर ने वैसे भी कपड़े नहीं लेने, टाइम बहुत कम है। अरे ले लेगा, जाएंगे निकलेंगे तो यार तारीख के बाद ही सारे काम क्यों याद आते हैं? क्योंकि उससे पहले सबका रोजा होता है, सब नहीं उस तरह से हो पाता। अभी चलें बाजार में, मार्केट से चीजें भी लेनी है बहनों के लिए, सबके लिए। कहाँ जाना है? बाजार, टेलर के पास कुछ चीजें लेके आनी है, प्लीज उठ से। मैंने कपड़े निकालो फिर मन चेंज करने लगे, चेंज करो ना हालों फिर चलते हैं। चलें ठीक है, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ अच्छे से। ट्राउजर शर्ट निकाल ला, मैंने नहीं इस टाइम पैंट शर्ट पहनना, कोजी कोई स्मूथ कपड़े, ट्राउजर शर्ट। ओके, आज की मेरी सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि टेलर जो है ना वो
बस हमारे कपड़े पकड़ ले। अरे आपके कपड़े आ गए और इधर देखें कितने सख्ते में गाइस बैठा हुआ। इतना सख्ता तो किसी को बिजनेस में लॉस के बाद नहीं होता जितना सख्ता इस लड़के को नींद में उठने के बाद होता है। अरे बुढ़ जाए बस करें। मैं हो गया हूं तैयार A1 दस्ती ठीक है, लेकिन जिसने मुझे उठाया के चले लेके चले मुझे मार्केट, खुद बैठ गया खरबूजा खा रहा है। खरबूजा खा रही हूं क्योंकि तुम हो खरबूजा। मैं आपको खरबूजा रखती हूं। खुद चेंज कर लिया तो खरबूजा खाने लग गया। अब नहीं लेट हो रहे, अब नहीं कोई मसला हो रहा। 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा सोने के लिए क्या मांग लिया? उठो उठो उठो। आपकी आंखें अभी तक लाल नहीं देखे। मैं खरबूजे के लिए मेरी डाइट का ख्याल, मैं डिहाइड्रेशन हुई भी रोजा रख के। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने खाना? नहीं नहीं आप खाए। मैंने रीप का जो जोड़ा टेलर को देना है वो हमने पकड़ लिया है। जो शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो हम लोग जो है ना वो जाके करेंगे। अभी लाइटें साइटें बंद करते हैं और निकलते हैं क्योंकि रीप साहब नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। ये लें आपका ड्रेस। मैं ही सी दूं। अरे भी कितने दिन रह गए ईद में? मेरे ख्याल से 4-5 दिन रह गए। 4-5 दिन? हाँ जी। अच्छा मुझे लगा एक वीक रह गया। अच्छा 26 रोज है ना। पहला रोज इतनी स्पीड में गुजरे हैं। यस के बिल्कुल पता ही नहीं चला ये महीना। अच्छा, कैसे गुजरा है। अब बाकी बहनों के लिए मैं ड्रेस वगैरह ले लिया हुआ ठीक है। जूता शूता लेना है, बाकी सब कुछ कम्प्लीट है ना। नहीं चूड़ियाँ लेनी है बस, बाकी सब कम्प्लीट। एक बहन को नहीं देके आ सकते हम ठीक है, क्योंकि वो है चश्मा। हाँ तो दूसरी को देख देंगे, देख के आएंगे आज इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल दे आएंगे। कल दे आएंगे। बाकी सारी चीजें पूरी, बाकी चीजें हमने बस पूरी करनी है, वो हम पूरी कर रहे हैं। अभी बस पहुँचते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं कि टेलर कपड़े लेता है कि नहीं ईद के लिए। अभी जाते जाते ना मुझे एक बात याद आ गई है। मैं सोचा मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूं, ये आपने ये जो जिम में एडमिशन लिया था ये सिर्फ चौंचले के लिए था या आपने जाना भी होता था? एडमिशन लिया था मैंने प्रॉपर दिल से, लेकिन रोज कोई ना कोई मेरी बेगम को काम निकल आता है। कभी टेलर के पास जाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना, कभी दावा था, कभी ये कैसे ये करूं जिम है। अरे बाप इफ्तारी के बाद सोने की बजाय जिम जा सकते हैं और उसके बाद बेगम को टाइम। ये सिर्फ एक शादीशुदा बंदा समझ सकता है। चूड़ियों वाली शॉप पे ले आया हूं, चूड़ियां सिलेक्ट करो एक। हाँ तो फिर बस यहाँ चूड़ियां हो जाएंगी ठीक है, और फिर हम आप सिर्फ टेलर आ जाएगा। चलो ठीक है। मुझे लगता था पहले हमें टेलर के पास जाना चाहिए। नहीं पहले चूड़ियां ले लें। पहले चूड़ियां दे देते। चले गाइस निकलते हैं यहाँ से, चूड़ियां चूड़ियां देखते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ना चूड़ियों का सेंटर है। यहाँ पे देखने करीब लेकिन सारी प्लेन है। चले चलो जिधर रिक्शा मुझे लेके आए थे ना वहाँ से मुझे अभी चूड़ियाँ पसंद नहीं आई है। झुमका भी वहाँ पे थे लेकिन वो इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं पड़ी हुई। किसी और मार्केट जाते हैं वहाँ जाके चेक करते हैं। अरे वहाँ लेके जाना जहाँ पे एक जगह ना वहाँ पे वैरायटी हो। आपको पता है चूड़ियाँ खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी होती है और वहाँ पे आपको पता है कि वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। एक फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टेलर के पास। बस चलते हैं वहाँ पे और अरीब साहब का ड्रेस देते हैं। देखते हैं कि टेलर इनकार करता है कि नहीं। अरीब आप जो वाइब्स दे रहे हो ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है इनकार हो जाना। 3 दिन रह गए मुझे तो वाइब्स यही आ रही। इनके भाभी भी कह रही थी कि नहीं लेगा इतने शॉर्ट टाइम पे तो कोई नहीं करता। वाइब्स क्यों आप ले रहे हैं? ये भाई हमारा ड्रेस आ गया। मेहरबानी होगी अगर कर दे तो। 3 कह रहे हैं अगर गुंजाइश होती तो मैंने आपको ये कभी नहीं कहना। अब आप आए देखे ना दिन कितने रह गए पीछे, इस वजह से तो आए हैं। किसी ने भेजा आपके पास के ये कर देंगे। माशाल्लाह सबसे अमीर टेलर होते ये चांस पे है। चांस पे है। चांस पे है। कितना दिन में मतलब ईद अभी है मेरा ख्याल से 4 दिन है। 4 दिन है ना, तो आप जितने स्पीड में आप जितने मास्टर लग रहे हैं मुझे लगता है आप तो एक दिन में सीखेंगे। नहीं वो तो है लेकिन जो पहले पढ़े हुए हैं उनका क्या करें। ये बात भी सही है। क्या करना रही थे? चले डिसाइड करते हैं फिर आप बताते हैं। डिसाइड कर ले जगह चांस हुआ तो भी दिया कि इंशाल्लाह। रीप चांस है मतलब ईद पर रिस्क ले लें और ईद वाले दिन हम कपड़े चाहिए हो फिर उन्होंने कहना मैंने तो कहा था। यार ये तो सीन बैड हो गया। हम निकले थे कि आज रीप का सूट हर हाल में सिलने के लिए दे देंगे। ये नेवर एंडिंग लड़का अपना सूट बगलों में डाल। ये मैं एक सूट नीलामी कर रहा हूँ, किसी को पसंद चाहिए तो ले दे। मोए मोए क्योंकि मेरे काम का नहीं आ रहा। लेकिन एक और टेलर के पास जाएंगे करा। हम आज अपना ये मिशन पूरा करके रहेंगे, कहीं करके रहेंगे। फाइनली हम लोग दूसरे टेलर के पास आ चुके हैं और लेट्स सी अब क्या होता है। अब क्या होता है? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। इतना हैवी प्रैंक हुआ हमारे साथ। हमारी टेलर ने इतनी किट लगाई है, हमने जाके कहती है कि ये मास्टर साहब ईद से पहले पहले जाइए ठीक है। आगे से टेलर कहता है आपको ईद से 10 दिन पहले मिल जाएगा। अब इकरा मुझे देखे, मैं इकरा को देखूं, ईद में 4 दिन रह गए, ये 10 दिन क्यों कह रहा है? तो कहता है मैंने कहा भैया ईद में तो 4 दिन रह गए। कहता बड़ी ईद से 10 दिन पहले मिल जाएगा। मैं एकदम परेशान होगी। मैंने कहा इतना बढ़िया अपने भी पहने यार। क्या फिर आगे से कहता
आप बहुत ज्यादा जल्दी आ गए अगले साल तक हंस के मारा पूरा हार। हमने कहा देखो मारी किट लगा रहा है भैया ने मारा तो सूट रह गया। दूसरे टेलर ने भी लेने से मना कर दिया। अरे वो फिर रेडीमेड लेना पड़ेगा जो आपकी ईदी वाला सूट है। पहला तो है ना, एक तो है, एक दो है, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। से अभी सीन है कि अरे चूड़िया चूड़िया लेते हैं, अभी पहुँचते हैं घर अपने लिए, कोई जो ईद की छोटी छोटी चीजें होती है सारी चीजें पूरी करते हैं। चूड़िया चूड़िया लेके उनकी चीजें तो पूरी कर लेना। यहाँ तुम्हें चूड़िया मिल जाएंगी, यहाँ पे 6 स्टॉल लगे हुए हैं, जल्दी चूड़िया लो, मैं यहीं खड़ा हूँ ताकि पुलिस वाला गाड़ी ना ले जाए। हम लोग इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोगों ने चूड़ियों के सेट पसंद करने हैं। किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, बस मैं चलती जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे कोई बच्चों की चीजें हैं लेकिन ये जगह मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, बल्कि थोड़ी नहीं काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ जाके चूड़ियाँ देखते हैं, सुनते हैं, नापते चलते हैं। हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे चूड़ियों की। यहाँ पे मुझे प्यारी प्यारी बच्चियाँ चूड़ियाँ लेती हुई दिख गई हैं। आप लोग मेरी हेल्प करोगे चूड़ियाँ लेने में? मुझे समझ नहीं आ रही है यहाँ पे कौन सी सबसे अच्छी चूड़ियाँ ना लगी मुझे वहाँ लेके जाओ अभी। ठीक है, यहाँ लगी हुई है। आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, कल आप लोग भी आओगे, आप भी तीनों बहने हो। सिस्ट्रोलॉजी में फिर से तीन बहने आ गई हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अच्छी वाली चूड़ियाँ, ये मुझे हेल्प करेंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या। अरीब साहब तो गाड़ी में बैठ के मुझे अकेला छोड़ दिया है यहाँ पे, जाके खुद ही देख के आओ। हमें यहाँ पे चूड़ियाँ पसंद आ गई हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पड़ी हुई है। एक मुझे गई थी 15 मिनट हो गए अभी तक वापस नहीं आई। अरे मुझे बच्चियाँ मिली तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा यहाँ से ले। कैसे आप लोग ठीक हो? तो ये अभी इनसे बातचीत करें हम, मैं चूड़ियाँ मुझे पसंद आ गई बस यहाँ से सबके लिए सेट उठा लेते हैं पूरा पूरा। ये भी मुझे देखिए जबरदस्ती और यही देखती थी, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे और ये भी सिस्ट्रोलॉजी है, तीन बहने हैं लोग। तो अब यहाँ से हम पसंद करते हैं फटाफट। दो दर्जन ये करते और दो दर्जन। चलो बस हो गया होगा जल्दी। एक मिनट, मैंने अपनी यहाँ से चूड़ियाँ चूड़ियाँ करा ली हैं पैक, मेरी तो शॉपिंग हो गई है डन। थैंक यू अरीब भाई, चुप चुप के पिक्चर बना रहा है, देखो बता नहीं रहा कौन सा भाई बना रहा पिक्चर। किसका फोन है, किसका फोन है, किधर फोन? अच्छा उनके अब्बा ने यहाँ फोटो लेने आए हैं। आप मेरे साथ वैसे बना लो, आज भी ब्लॉग में आ जाओ। हेलो अरीब साहब मुझे कह रहे हैं कि आप जाके गाड़ी में बैठो, मैं बिल शिल करा के चूड़ियाँ बाकी की सारी चीजें पिक करके आ रहा हूँ। तो हमारी चीजें फाइनली एक ही स्टॉल से निपट गई है क्योंकि हमें चीज पसंद आ गई है। फाइनली हमारा जो है वो काम निपट गया, डन हो गया। चूड़ियाँ चूड़ियाँ लेनी थी, थोड़े से ज्वेलरी शुलरी लेनी थी, कुछ मेहंदियाँ शेंदियाँ लेनी थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से ले ली हैं, पिक कर ली हैं, जाके हम अपने डब्बे शब्बे बनाएंगे। शुक्र है, एक काम तो हुआ। एक काम नहीं, बड़ा काम निपट गया। आपको नहीं पता, बस आपका काम रह गया। इफ यू वांट यहाँ पे बाकी भी आउटलेट है, वहाँ पे रुके हम रेडीमेड ले लेते हैं। बस थके चले, मुझे लगता है कि टेलर के हाथों रोस्ट हो गए ना, आप थक गए। जो टेलर ने आपको 10 दिन का कहा ना, 10 दिन बाद सूट दे देंगे भाई साहब, आज जी 10 दिन पहले। हाँ 10 दिन पहले। तो अब यहाँ से अब आपने जिम जाना है इसके बाद? चलो ठीक है जी, अब पहुंचते हैं घर। अरीब साहब को ड्रॉप करते हैं जिम और उसके बाद मैं गाड़ी लेके आऊंगी घर। उसके बाद मैं नहीं मिलूंगी किसी को। हम लोग यहाँ घर आ रहे, रास्ते में पता लगा ही हमें एक मिल गया बच्चा, काका छोटा कालू मदारी मिल गया। हमें मिल गया कालू मदारी, कालू मदारी जल्दी आ जाएगा फिर। ठीक है, आपको एक स्टोरी सुनानी है, बड़ा बुरा हमारे साथ। क्या आ जाए फिर बताते, आए तो सही फिर बताते हैं। बिल्ली भी घूम, वो भी ईद की शॉपिंग में, लगता है आगे जाकर उनको भी टेलर ना मिला, पता लगे वो भी टेलर देखने गए। वैसे ही बस घूमने निकले, बस आ रहे हैं 5-10 मिनट में। चलो जी गाइस, हम लोग भी पहुंचते हैं घर। घर जाके अपना बाकी अपना दुखड़ा भाभी और भाई को सुनाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो जब घर आएंगे, टेलर ने हमें रोस्ट कर दिया है, रोस्ट कर दिया है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अब एज यूजुअल लिख रहा कवर अपने हस्बैंड जी की गाड़ी पार्क करवाते हुए। आज तो बस सही ठिकाने पे लग गया, कल वरना लगते बची थी। आ जाए बिस्मिल्ला भी तो फोन की वजह से ना मुझे वैसे भी आते जाए आगे। ओके बस मुझे लगा लगने लगी है रही। बस थोड़ी देर गुजरी थी कि हमारे भाई भाभी वापस आ चुके थे साथ। नहीं रहा गया कि हम लोग कैसे जाएं, हाँ हमारे घर वाले वापस चले गए हैं। कलमदारी आया दोनों नॉन नॉज रहे, दोनों गंदे भाभी आज हमारे साथ बहुत हैवी वाली फील वाली हो। इमेजिन करे क्या हुआ होगा अगर कपड़े लेके एक बंदा टेलर के पास गया होगा तो टेलर ने क्या कहा होगा। टेलर कुछ बुरा हुआ है क्या? आज के हाँ ईद के लिए इनकार कैसे किया होगा?
बस इमेजिन करें, बस एक दिमाग में सिचुएशन सोचे कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। किरण ने कहा कि मास्टर साहब ये सीन है तो ये ईद से पहले चाहिए, कहता है बाजी 10 दिन पहले मिल जाएगा ईद से। 10 दिन? मैंने कहा मैं दिन में सिखा को देखू, इकरा मुझे देखे, 4 दिन रह गए ईद पे, 10 दिन कैसे कह रहा है। मैंने कहा मसल 4 दिन ईद पे रह गए तो 10 दिन में कैसे मिल जाएगा। हाँ। कहते है वो छोटी ईद की बुकिंग खत्म हो गई है, अब हम बड़ी ईद की कर रहे हैं, बड़ी ईद से 10 दिन पहले मिल जाएगा। ऐसा हैवी रोस्ट किया हमने ना एक दूसरे को, देख रहे हैं क्या हो रहा है। और इतना सीरियस होके कहते हैं थोड़ी और छेती आ जाते ताकि पिछली अगली ईदा भी सिल जाते। और मैं अरीब को देख रही हूँ इतना सार्कास्टिक हो रहा है कि अरीब और अरीब मेरी शक्ल देख रहा है कि मतलब क्या। चले जी ये हो गया हमारे साथ। आप भाई आपके कपड़े सिल गए हैं कि आपके भी रह गए हैं? मेरी बेगम ने मेरे लिए सिलवा दिए। बेगम असली कब? वैसे भाई पता लगे आपके साथ ईद वाले दिन ही प्रैंक हो गया, भाभी ने कहा मेरे टेलर ने भी नहीं दिया। अल्लाह वो देखो टूथपिक से कहाँ से निकाल रहा है, कदों कदों बेटा कदों कोई नहीं देख रहा, वो देखो निकाला उसने। अल्लाह क्लीनिंग करती है वो, डीप क्लीनिंग। वो उसको पता ईद आ रही है तो कपड़े बने ना ना बने हो डीप क्लीनिंग कर लेने। शाबाश मेरा बेटा शाबाश, वेरी गुड। चले जी गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।